मुख्तार को छोड़कर अफशान अंसारी भागी विदेश, अब फिर गिरेगी मुख्तार पर गाज, अब माफिया का कोई नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार अंसारी से फिर पूछताछ होगी, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। माफिया के साथ ही उसकी बीवी अफशान अंसारी से भी सवाल जवाब किया जाना है, लेकिन वो लगातार फरार चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम कई बार दबिश भी दे चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसलिए विदेश भागने की आशंका पर उसका लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में अफशान अंसारी के अब्बा का भी बयान होना है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा। मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन में उसकी बीवी का नाम शामिल है। माफिया का साला आतिफ भले ही कंपनी के सारे काम करता था, लेकिन बड़े मामलों की जानकारी अफशा को जरूर दी जाती थी। इसके बाद राजनीतिक और आपराधिक प्रभाव का इस्तेमाल करके भी काम में आ रही रुकावटों को दूर किया जाता था। विकास कंस्ट्रक्शन के साथ ही अंसारी कंस्ट्रक्शन के जरिए भी करोड़ों रुपए का कामकाज अलग अलग स्थानों पर किया गया है। इन फर्मों के नाम पर टेंडर लेने में भी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया था। फर्म के बैंक खातों की छानबीन में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली थी, जिसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ करते हुए आतिफ और उमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ऐसे में मुख्तार अंसारी पर गाज गिरनी तय है, जब उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।